हेलो एमएससी वेलकम टू माई चैनल तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट यानी कि पेपर आपका जो फोर्थ है जो है आपका ग्रुप थ्योरी ओके तो ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है यानी कि आज से हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं तो देखिए ग्रुप थ्योरी का क्या है पहला टॉपिक है आपका सिमिट्री एलिमेंट ओके आप सिलेबस पे भी देख रहे होंगे पहला टॉपिक आपका सिमिट्री एलिमेंट और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ओके तो देखिए अगर आप सिमिट्री एलिमेंट पे ये जो वीडियो होगी थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी बट अगर ये लेंथी है तो इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होगा बेनिफिट ये कि देखिए आप यहाँ पर इसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पर ब्लू इंक से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ ये चार जैसे सेंटर ऑफ सिमिट्री एक्सेस ऑफ सिमिट्री प्लेन ऑफ सिमिट्री रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस ऑफ सिमिट्री और आइडेंटिटी आइडेंटिटी को स्किप कीजिए छोटू सा टॉपिक है बहुत छोटू सा दो तीन लाइन का बट इसके अलावा ये जो चार पॉइंट्स है ये पॉइंट्स क्या है काफी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट कैसे है ये क्या है आपको पेपर पे डायरेक्टली पूछा होगा कि अगर आप पेपर देख भी रहे तो आप वहां एक बार नहीं भी देखा रहे तो एक बार आप देखना आपको यही चीजें मिलेंगी कि डिफाइन सेंटर ऑफ सिमिट्री विद एक्साम्पल यानी कि आपको सेंटर ऑफ सिमिट्री डिफाइन करनी है एक्जाम्पल के थ्रू एक्सेज ऑफ सिमिट्री को डिफाइन करना है विथ एक्जाम्पल प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है वो बताओ विथ एक्जाम्पल रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेज ऑफ सिमिट्री क्या होती है विथ एग्जाम्पल तो इससे हमेशा क्या है शॉर्ट नोट बनते ही बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके उसके साथ साथ आपको डायरेक्टली भी पूछा जाएगा कि वट इज सिमिट्रिक एलिमेंट ठीक है सिमिट्रिक एलिमेंट्स क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन बनता है बट ये जो क्वेश्चन आएगा ये लॉन्ग में आएगा क्योंकि सिमिट्रिक एलिमेंट के अंदर ये सारे पॉइंट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे विद एग्जांपल ओके एग्जांपल को कहीं स्किप मत करना एग्जांपल आपका एक पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव इंप्रेशन आपका शो करता है आपको अच्छे नंबर दिलवाने में ओके okay? तो क्या वीडियो थोड़ी लेंथी होगी बट क्या आपको सारी चीजें मैं एग्जांपल के थ्रू नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी आप थोड़ी देर ध्यान से सुनना आपको चीजें भी क्लियर हो जाएंगी देन आप नोट्स ले लीजिए नोट्स से क्या आपको मटेरियल भी मिल जाएगा ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ठीक है तो देखिए सिमिट्री एलिमेंट पढ़ने से पहले क्या है देखो सिमिट्री होता क्या है आप सभी को पता है सिमिट्री क्या होता है सिमिट्री क्या होता है अगर कोई भी चीज हमारी सीक्वेंस है यानी कि आइडेंटिकल है हम उसे क्या कहते हैं वो सिमिट्री में है ओके तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें सब हमारी सिमिट्री में ही होती है ओके okay, तो वो ही होता है हमारा सिमिट्री ठीक है आप समझ रहे हैं सिमिट्री मतलब तो यहाँ डेफिनेशन के थ्रू भी मैंने आपको सिमिट्री एक्सप्लेन की हुई है तो यहाँ पर को लिखा है साइंटिफिकली सिमिट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सिमिट्री है तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम उस मॉलिक्यूल को उस ऑब्जेक्ट को अगर हमने स्पेस पर देखा तो वो क्या है स्पेस पर दो या फिर दो से ज्यादा ओरियंटेशन शो कर सकती है यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है यानी कि जैसे मैं आपको कैसे बताऊं जैसे ये वाटर का अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल सबसे सिंपल वाटर होता है हम वाटर का अगर आपको केस लेके बताओ थोड़ी देर सुनना ओके ये वाटर मॉलिक्यूल है अब देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल को हम बोल रहे हैं आइडेंटिकल है आप सीधे बोल सकते हैं आइडेंटिकल है क्योंकि आइडेंटिकल हम कब बोलते हैं अगर ये देखिए ये मैंने पहले बार बार भी बताया तो ये ए है ये आपका एक लेटर है अगर आप ए को बी से कट करेंगे ना तो आपको ये दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं यानी कि आप बोल सकते हैं ये दोनों हाफ एक दूसरे के क्या है इक्वल है कुछ ऐसा मिल रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिट्रिक हो जाएंगे दो इक्वल हाफ मिल रहा है सिमिलरली वाटर में भी क्या है ऑक्सीजन के साथ साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं यानी कि कुछ आपको अगर इसे बीस से कट करेंगे तो आपको दो इक्वल हाथ मिल रहे हैं अब देखिए अगर आप इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलू या मॉलिक्यूल बोलू यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा बट ये मॉलिक्यूल होगा ना तो मॉलिक्यूल को अगर आप इसे स्पेस में देखेंगे आप इमेजिन कीजिए ये आपकी बॉल है ठीक है ये बॉल की जैसे तो आप क्या रहूंगे अब ये बॉल है आपके स्पेस में अब क्या आप इसे रोटेट करेंगे आपने इसे पहले ऐसा था देन आपने इसे रोटेट कर दिया अगर मैं इसे एच डे कर दू तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ओ के साथ ह, ह और वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा आ जाएगा, आ जाएगा ना आएगा ना अगर आप इसे रोटेशन दे अगर स्पेस में आपने इसे रोटेट कर दे तो आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा ये वाला एच आपका इस साइड आ गया बट एक्चुअल में कोई एच अलग अलग तो होंगे नहीं एच तो सेम है हम इसे बस दिखाने के लिए हम इसे एच डेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट दोनों एच तो सेम है तो वही चीज बोल रहा है इस मॉलिक्यूल में इसका मतलब क्या है सिमिट्री क्योंकि आप इसे मॉलिक्यूल को स्पेस इस में इसके ऑरियंटेशन देख रहे हैं यानी कि आप इसे घुमा फिरा के देख रहे हैं आपको बार बार सेम ही चीज दिख रही है इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या है सिमेट्री है इतनी चीज क्लियर हुई तो वही चीज बोल रहा है साइंटिफिकली सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स प्रॉपर्टी टू है टू आर मोर ऑरियंटेशन इन स्पेस विच आर इनडिस्टिंग्विशिबल यानी कि जो क्या है इनडिस्टिंगल है और क्या आइडेंटिकल है आप बोल सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है आइडेंटिकल है हम लोग सोचने के लिए तो इसे एच डेस से रिप्रेजेंट करें या फिर मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करो बट है तो ये एच एच ही रियल में जो कि वाटर बोलेगा नहीं ये दूसरा एच है ये दूसरा एच है एच तो उसके एच ही है उसके लिए दोनों एच बराबर है ठीक है हम बस समझने के लिए उनको अलग अलग करते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों इमेज जो है दोनों मॉलिक्यूल क्या है आइडेंटिकल है तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम इस टाइप में जो प्रॉपर्टीज होती है इसे हम क्या कहते हैं सिमेट्री कहते हैं ओके सिमेट्री क्लियर है अब बोर्ड है सिमेट्री एलिमेंट जो हमारा मेन चीज है तो सिमेट्री एलिमेंट क्या बोल रहा है देखिए द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपसे पूछ सकता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताइए इंपॉर्टेंट है ओके आप चेक कर लीजिएगा अगर यकीन नहीं है तो ओके तो यहाँ पर लिखा है द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज अ क्रिटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ मॉलिक्यूल इज अमिट्री और असिमेट्री ओके तो ये बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ सिमिट्री क्या एक टाइप का क्राइटेरिया है कि आपको मॉलिक्यूल में चेक करने के लिए कि उस मॉलिक्यूल में सिमिट्री है या फिर नहीं है यानी कि मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है या फिर असीमेट्रिक है उसको पता करने का जो हमारे पास टूल्स होते हैं उसके लिए जो हमारे पास मैथड होते हैं मैथड नहीं आप बोल सकते टूल्स हैं वो जो क्राइटेरिया है वो हमारे क्या है उसी को हम क्या कहते हैं सिमिट्री एलिमेंट्स कहते हैं ओके और उस क्राइटेरिया को उस टूल्स को हमने फाइव क्लासेस में क्लासिफाई यानी कि पांच टाइप के आपके पास टूल्स हैं ओके पांच टूल्स की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में आपकी सिमिट्री प्रेजेंट है या फिर अबसेंट है ओके इतनी चीज क्लियर है तो ये सारे टूल्स की बात कर रही थी मैं जो आपसे सिंपली एक टूल के बारे में पूछ देगा टूल का नाम क्या है सेंटर ऑफ सिमिट्री आपको बताना होगा कि सेंटर ऑफ सिमिट्री होती क्या है कैसे आपको मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ सिमिट्री की किसी मॉलिक्यूल में asymmet, कोई मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलिट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है विद एग्जांपल ओके अब देखिए तो हमारे पांच टूल क्या है एक है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री जिससे आप सिंपली आई से रिप्रेजेंट करते हैं दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे आप सी कैपिटल और इसके नीचे एन स्मॉल रहता है ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे आप सिंपल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं And fourth है 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 आपका यानी कि आपने भी भी कराना है और reflection भी कराना और जिसे आप S, N से रिप्रेजेंट करते हैं okay? और लास्ट वन इज आइडेंटिटी जिसे आप सिंपली e से रिप्रेजेंट करते हैं इतनी चीज क्लियर हुई हुई ना अब हम एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, तो सिंपल है ठीक है ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री ओके तो देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री से आपको कैसे पता चलेगा मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री का यूज करके आपको कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है या नहीं यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर किसी मतलब कि सिंपली ऐसे बोला अगर कि किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इट इटम वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है सिमेट्रिक है ओके वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है सिमिट्रिक है अब सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हुआ देखिए होता ये है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ठीक है आपको मॉलिक्यूल मैंने दे दिया यहाँ पर को ले लिया हमने ले लिया आपको ऑक्सीजन यहाँ पर को हमने लगा दिया कार्बन मैं ऐसे कार्बन लगा दे रही हूँ हाँ, गलत एक गंदा सा एग्जाम्पल हो जा रहा है देखिये इसका मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ हाँ ये देखो मैं इसे सी डबल बोन सी कर दी यहाँ पर मैंने लगा दिया सीएल यहाँ पर लगा दिया मैंने यहाँ पर भी सीएल और यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन ओके अब सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब आपको क्या करना होता है उस मॉलिक्यूल के सेंटर पर जाओ ये मॉलिक्यूल है आप इस मॉलिक्यूल के ले गए सेंटर इसका सेंटर यही हुआ ये दो इक्वल हाफ चेंज से तो बनेंगे ये आपका हो गया सेंटर ओके अब आपको सेंटर से क्या करना होता है लेफ्ट भी जाना मतलब कि सेंटर के इस सेंटर के आगे भी जाओ पीछे भी जाओ जहां आपको एटम दिख रहे हैं ऐसा नहीं कि आप यहाँ को भागने लगे यहाँ तो कोई यह एटम ही नहीं यहाँ को क्यों जाओगे आप क्या करेंगे इस कार्बन आपको क्या इस सेंटर के यहाँ आपको कार्बन मिल रहा है अब इस कार्बन के आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ से देखेंगे आप मतलब ये सेंटर से आप कहाँ जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ आपको हाइड्रोजन मिल रहा है और इसी की मैं यहीं से आपने ऊपर को गए तो यहीं से आप पीछे को जाइए तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है अब दूसरे केस में के क्या करेंगे यहां से आप आगे को जाओ तो यहाँ मिल रहा है आपको सीएल क्लोरिन यहां से आप पीछे को जाओ यहाँ भी आपको मिल रहा है क्लोरिन ओके तो इस मॉलिक्यूल में यानी कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से आगे पीछे आगे पीछे की ओर मूव करते हैं तो आपको सेम टाइप्स के आइटम मिलते हैं इस मॉलिक्यूल इस केस में क्या होगा आप समझ जाना है इस मॉलिक्यूल में क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि आई

आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा ओके तो पहला मॉलिक्यूल ये देखिए यहां पर आप मॉलिक्यूल देखेंगे इथीन इथीन का इथेन तो ये पहला मॉलिक्यूल देखिए इस मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं आप कैसे करेंगे मैंने जैसे आपको बताया पहले थ्योरी नहीं पढ़ना मैं आपको सिंपल बता रही हूँ देखिए थ्योरी पढ़ के चीजें क्लियर नहीं होती है हमको कोई बताए तो चीजें और क्लियर होने लगती है ओके आपने क्या करना है सेंटर पर जाओ सेंटर के लेफ्ट मतलब कि आगे जाओ और पीछे जाओ आपको यहाँ भी हाइड्रोजन मिल रहा है और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ से भी जाइए तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है पीछे भी जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है ओके okay? इसका मतलब क्या है इस मॉलिक्यूल के आप कहीं भी मूव करें आपको सेम टाइप के आइटम मिल रहे हैं इट इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या है प्रेजेंट है इतनी चीज क्लियर हुई अब आप यहां देखिए अगला एग्जाम्पल है ये है BCl3 ओके okay? BCl के थ्री के केस के में क्या करेंगे आप यहाँ पर ये यह BCl3 है ओके okay? अब बीसीएल थ्री के केस के के में क्या हुआ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ आप क्या कीजिए बी आपका सेंटर में एल थ्री में बी आपका सेंटर पे आप बी से गए यहाँ की ओर यानी कि यहाँ आपको मिल गया सीएल ओके अब आपको जाना है पीछे इसके जस्ट पीछे देखो आगे से पीछे जाते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि, कि यहाँ से आप ऐसे चलेगी और यहाँ से आप सीधे चलेगी ऐसा नहीं आगे पीछे यानी कि क्रॉस की बात करें यहाँ आपको मिल गया सील बट आपके पीछे यानी कि सील के नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर तो आपको सील मिल गया बट इसके इस साइड क्या है कुछ नहीं है यहाँ पे आपको आगे गए तो आपको सील मिल गया वैसे ही आप पीछे 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 गया बी पी के पीछे कुछ नहीं है इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में यानी कि बी सी एल थ्री में क्या है सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या है है ओके okay, इतनी चीज क्लियर हो रही तो आपके लिए क्या है ये मटेरियल पे मैंने आपको दो एग्जांपल दिया और आई थिंक दो एग्जांपल इनफ है अगर आपको शॉर्ट नोट में आया तो आप दो एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए अगर लॉन्ग में आ रहा है पूरा सिमिट्री एलिमेंट को डिफाइन कीजिए तेन आप एक एग्जाम्पल एक के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि क्या अगर आप दोनों एग्जाम्पल देंगे आपका क्या होगा टाइम बहुत लग जाएगा ओके okay, तो पेपर आपका छूट भी सकता है मेरा तो बहुत छूटता था ठीक है तो देखो इतनी चीज क्लियर हुई तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ और आप देख लीजिए ठीक है इतनी चीज समझ में आई ना तो हमने क्या बोला अब यहाँ पर अगर मैं थ्योरी पढ़ू पहले देखो इसका मतलब क्या हुआ इस मॉलिक्यूल में तो क्या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है और इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल यानी कि BCl3 के, के केस में सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या है अपसेंट है समझ में आया क्यों आपने जिस ऐसे घूमना है यहां से यहां यहां से यहां ओके अगर यहां जो एटम है यहां भी है यहां जो एटम है यहां भी है इट इटमीज सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है ओके अब देखिए थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है थ्योरी पर लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है इट इज अमेजनरी पॉइंट एट द सेंटर आपने क्या करना है सेंटर पे एक इमेजनरी पॉइंट लेना है एक्चुअल में होता नहीं हम बस सोच रहे ठीक है फ्रॉम वे टू आइडेंटिकल ग्रुप है आइडेंटिकल डिस्टेंस आप क्या करेंगे यहाँ से आपको आइडेंटिकल डिस्टेंस पे यानी कि यहाँ से आगे यहाँ से

तो आपको क्या यहाँ जो एटम है वही आपको यहाँ मिलना चाहिए यानी कि इन दोनों इसका क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन तो यही हो रहा है तो आप ये डेफिनेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं एक क्या इमेजनरी पॉइंट है सेंटर पे जिसके क्या आगे पीछे आपको क्या आइडेंटिकल एटम मिलेंगे अगर आइडेंटिकल एटम नहीं बोलना चाह रहे तो आप ऐसा बोलो कि जो पहला एटम है उसका रिफ्लेक्शन यानी कि उसका रिफ्लेक्शन यहाँ हाइड्रोजन है तो उसका रिफ्लेक्शन में भी आपको यहाँ हाइड्रोजन ही मिलना चाहिए अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है अदरवाइज मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है इतनी चीज क्लियर हुई तो अगला देखिए अगला क्या है हमारा अगला आया सेकंड आया ऑफ सिमेट्री या फिर आप इस बो, से बोल सकते हैं ऑफ प्रॉपर रोटेशन जैसे वो सेंटर था उसको हम सेंटर पे चीजें लेके कंसीडर कर रहे थे अब हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि हमने सिमेट्री का पता करना है बाई एक्सिस तो इसमें क्या करना होता है देखिए आपको मॉलिक्यूल को के बीच से एक, एक एक्सिस डालनी होती है ओके एक ऐसे आपने एक्सिस डाली और आप क्या करेंगे उस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे बाय एंगल 360 डिवाइडेड बाय एन ओके और यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर ओके तो मैंने आपको पहले ऑर्डर नहीं बताया क्योंकि क्या होता है ना चीजें लोग स्किप कर देते हैं उनको लगता है सिलेबस में है नहीं तो मैं आपको अभी बताऊंगी ऑर्डर क्या होता है ओके तो यहाँ पर को कहना है डिवाइडेड बाई एन यानी कि थ्री डिवाइडेड बाई एन से आप इसे क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे अगर आपने इसको रोटेट किया समझ आपका कोई मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को के सेंटर आपने एक्सिस डाला, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है यानी कि इस एक्सिस में आपने मॉलिक्यूल को चिपकाना है और उसे रोटेट कर देना है बाई एन एंगल एंगल कौन सा होगा वो आपको पता चलेगा एन की वैल्यू जब आपको पता चलेगी यानी कि थ्री सिक्सटी वाई एन से आपने उसे रोटेट करना है अगर रोटेशन के बाद आपको सेम टाइप यानी कि इनिशियल में आपका जैसा ही था, वैसे आपको फाइनल में जब आपने रोटेशन कराया उसके बाद मिला देन आप समझ जाइए कि उस मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री है अदरवाइज उस मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी इतनी चीज क्लियर है अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ठीक है तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ कॉर्नर किसी भी मॉलिक्यूल में कितने कॉर्नर्स होंगे वो आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्डर और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay? तो देखो यहाँ पर को लिखा हुआ है इस पर भी लिखा एक्स ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है इट इज इमेजनरी एक्सिस एट द सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूलिक्यूल है उसके सेंटर पे आपने क्या करना है इमेजनरी एक्सेस डालनी है ओके okay? लंबा सा डंडा डालना है उसके क्या करना है अराउंड विच इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेड और उसके अराउंड जब मॉलिक्यूल ने रोटेट किया बाई एन एंगल कौन सा एंगल होगा वो हम जब एन की वैल्यू पता चलेगी तब निकालेंगे थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन और क्या करे इनडिस्टिंग्विशिबल यानी कि आइडेंटिकल ऑरिए अगर वो शो करेगा तो इट मीनस उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है अदरवाइज नहीं है ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा है वेयर एन इज इकट टू ऑर्डर ऑफ एक्स यानी कि नंबर ऑफ कॉर्नर ओके तो एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वॉटर वॉटर के केस में कैसे होगा देखिए आपने वॉटर बनाया देन वाटर में क्या किया आपने इसके बीच में इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या कर दिया एक एक्सिस डाल दिया ओके यहां से आपने कर दिया एक्सिस ओके एक डंडा डाल दिया ओके अब आपने क्या करना है इसको रोटेट कराना है बाय एन एंगल्स 360 डिवाइडेड बाय एन ओके अभी मैंने क्या बोला एन मतलब होता है नंबर ऑफ कॉर्नर अब देखिए इस एटम से यानी कि इस ऑक्सीजन से आपने क्या डाला एक्सिस डाला इस एक्सिस के अराउंड कितने एटम प्रेजेंट है टू एटम प्रेजेंट है यानी कि कितने कॉर्नर है आपके पास सिर्फ दो कॉर्नर है तो कितना हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा टू यानी कि यहाँ पर एन इज इक्ल टू है टू तो यहाँगा थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू सॉरी ये कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री यानी कि अब आपने इसे कितने में रोटेट कराना है वन एट्टी डिग्री में अब पहली बात इतनी चीज समझवाई दूसरी चीज आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखो आपने क्या करना होता है रोटेशन आपने 180 का कराना है और आपका रोटेशन कितना होना चाहिए दो रोटेशन होने चाहिए जितने आपके ऑर्डर होंगे उतना ही आप रोटेशन कराएंगे ओके अगर यहाँ पर ऑर्डर होता थ्री यानी कि अगर n इज इक्व टू थ्री होता तो यहाँ पर को एंगल कितने का हो जाता 120 डिग्री का हो जाता और आपका जो रोटेशन होते वो कितने बार रोटेशन कराते आप उस मॉलिक्यूल के तीन बार रोटेशन कराते इतनी चीज क्लियर है अब देखिए अब मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सिस ऑफ सिमिट्री को आप सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं हमने ऊपर देखा था यहां देखिए इसको हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर कोई सी तो हो गया आपका ये एक्सिस की बात कर रहा है और यहाँ पर जो एन है वो दिखाता है कि कौन से नंबर पे आप उसे रोटेशन कराना है जैसे मैंने बोला वाटर के केस में आपका एन टू है यानी कि आपने वन एट्टी का रोटेशन कराना है वो भी दो बार तो पहला रोटेशन जब आप कराएंगे तो आप लिखेंगे सी टू ये रोटेशन तो आपका मतलब की यहाँ पर ऑर्डर क्या है टू है बट आपका पहला रोटेशन है तो आप लिखेंगे इसे सी टू वन अगला रोटेशन जब आप कराएंगे तो उसे लिखेंगे सी टू टू समझ में आ रहा है कैसे रोटेशन कराना है तो आपको पहले रोटेशन बाद में दिखाऊंगी पहले आप समझिए आपको इसके नीचे लिखना है सी टू वन क्योंकि ये दो तो आपका ऑर्डर हो गया देखो ना सी था एंड मतलब क्या हो गया आपका जो ऑर्डर है ऑर्डर कितना है आपका टू है नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं टू तो आपने लिख दिया यहाँ पर सी टू बट आपका पहला रोटेशन है मैंने बताया ये जितने होंगे उतने आपके रोटेशन होंगे ये आपका टू है तो पहला रोटेशन कराना है तो आप इसके ऊपर लिखिए फर्स्ट और यहाँ पर लिखेंगे सी टू टू इतनी चीज क्लियर है ऊपर रोटेशन आपका कितने का रहा वन एट्टी का तो आप पूरा लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ओके एंड यहाँ भी आप लिख सकते हैं सीधे आप पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया तो यहाँ आप सीधे वन एट्टी डिग्री का रोटेशन ओके okay? अब देखिए रोटेशन कैसे हुआ मैं इसे रब कर देती हूं एक मिनट ओके okay? Okay, अब देखो अब रोटेशन कैसे हुआ देखिए रोटेशन कैसे हुआ आपने क्या किया वाटर मॉलिक्यूल को इतना तो समझ में आ गया ना आपको कैसे करना देखो हाँ ये चीजें क्या है सब हमारी इमेजनरी हो रही है ठीक है अब आपको वाटर मॉलिक्यूल तो दिखता तो है नहीं ठीक है आपको वाटर दिख रहा है पर वाटर मॉलिक्यूल तो आप बना नहीं सकते तो चीजें थ्री में है थ्री में आप चीजें बस सोच सकते हैं वो भी जितनी हो सके उतना सोच सकते हैं हम जबरदस्ती नहीं कर सकते ठीक है तो आपने क्या करता है कुछ चीजों को आपको याद करनी होती है ठीक है मैं आपको बता रही चीजों को आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपका पेपर पे पैर तो आपके वहां पर कुछ सोचने तो लगेंगे नहीं ना आपको वहां पर को अभी आप सोचेंगे बट आपके एक बार के लिए आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी ठीक है तो आपको दिखने लगेंगी चीजें बट थोड़ी देर में अगर आपसे कोई बोलने लगे वो चीजें गुम हो जाएंगी ओके इसीलिए क्या थोड़ा चीजों को याद करना भी सीखे ठीक है तो मैंने इतनी चीज तो समझ में आई कि हमको एंड के बेसिस पे हमको पता चलेगा कितना आपने रोटेशन कराना और कितना आपको नंबर देना तो ऐसा आपका रिप्रेजेंटेशन होता है ये समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट किया अब देखो अब हमें पता है कि हमने क्या कराना है दो बार रोटेशन कराना है इस वाटर मॉलिक्यूल का तो आपने पहले वन एट्टी रोटेशन कराया तो आपका क्या होगा ये जो ग्रुप होगा ये जो एच सपोज में इसे अभी तो ये एच तो ऑक्सीजन के लिए दोनों एच बराबर है ठीक है ये दोनों इक्वल है इसके ठीक है लेकिन हम समझने के लिए इसे एच डेस कह रही हूँ इसे मैं सिंपल एच कह रही हूँ अगर इसका वन एट्टी में मैं रोटेशन करा दू तो क्या होगा ये वाला एच डेस यहाँ आ जाएगा और सिंपल एच यहाँ आ जाएगा ओके अब दोबारा अगर मैं इसका रोटेशन करा दू तो क्या होगा वन ये वाला एच डेस यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा अब आप देखिए कि ये सारी इमेज आपकी क्या है? आइडेंटिकल है ये दोनों तो पूरी की पूरी आइडेंटिकल है यानी कि ये जो एच आपका इस साइड था जिसे मैं एच डी कह रही हूँ वो एच डी अभी भी यही है यानी कि लेफ्ट साइड है इट मीन ये इमेज आपकी क्या हो रही है सेम ये जो ओरियंटेशन हो रहा है आपका स्पेस में ये सब स्पेस में हो रहा है ये आपके क्या हो रहा है सेम टाइप के मॉलिक्यूल यानी कि इनडिस्टिंगल और आइडेंटिकल इमेज आपको दे रही है इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में इस वाटर मॉलिक्यूल में आप बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है प्रेजेंट है प्रेजेंट होने की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपका क्या बोला जा सकता है सिमिट्रिक मॉलिक्यूल बोला जा सकता है इतनी चीज क्लियर हुई एक एग्जांपल ये है आप दूसरे एग्जांपल से अगर आपका शॉर्ट नोट में है तो दो एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए एनेस्थ्रिक ठीक है सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला नंबर ऑफ कॉर्नर देखो नाइट्रोजन के साथ चार, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं में तो नंबर ऑफ कॉर्नर यानी कि कितना हो जाएगा 3. तो आप इसे क्या बोल सकते हैं ऑर्डर भी बोल सकते हैं अगर आपका N 3 है तो आपका सी एन आप जिसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एनएस के लिए एन एस यानी कि अमोनिया के लिए जो सीएन होगा वो किस कैसे रिप्रेजेंट करेगी इसे तो हम सीएन तो हम लोग एक्सिस ऑफ सिमिट्री को रिप्रेजेंट करें अगर एनएस में एक्सिस ऑफ सिमिट्री रिप्रेजेंट निकालनी है तो आप इसे कैसे दिखाएंगे सी से दिखाएंगे क्योंकि यहां पर

कि हम यहाँ पर को तो आपने लिख दिया थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन इजिकल टू वन ट्वेंटी अब नीचे क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे इसे आप सी थ्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले रोटेशन को लिखेंगे सी थ्री वन दूसरे रोटेशन को लिखेंगे सी थ्री टू अगले को लिखेंगे सी थ्री थ्री इतनी चीज क्लियर है तो यहाँ पर आपको वही चीज मिलेगी देखिए C31, C32, C33 और यहां पर पहले पे मैंने आपको पूरा देखो ना लिखने का तरीका मैं आपको बार बार बोलती हूँ वो मैटर करता है ठीक है एमएससी लेवल पे आप कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे आप उसे दिखा रहे हैं आपने एनएसटी लिख दी ये स्ट्रक्चर बनाया ना उसमें एक्सेस दिखाई है ना एंगल दिखाया ना बताया कि, कि मतलब एक्सेस ऑफ रोटे मतलब इसमें जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या है कुछ नहीं दिखाया तो आपको नंबर तो मिलने से रहे ठीक है तो चीजों को रिप्रेजेंट करना आपको आता होता है बट आप रिप्रेजेंट करना नहीं जानते ठीक है लिख नहीं पाते हैं तो वही चीज

और इसके केस पर भी एच ऐसे ही दिखे क्योंकि ये तो घूम रहे हैं अभी में इसे एच वन एच टू एच थ्री कह रही हूँ बट ये सेम ही है ये घूमेंगे तो फिर भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देंगे घूमेंगे फिर ऐसा स्ट्रक्चर देंगे घूमेंगे फिर ऐसा स्ट्रक्चर देंगे यानी कि सारे ऑरिएटेशन में क्या है सेम टाइप का स्ट्रक्चर दे रहे हैं यानी कि सारे ऑरिएटेशन आइडेंटिकल है इट मीन्स अमोनिया के केस पर भी क्या है आपकी एक्सेस ऑफ सिमिट्री क्या है प्रेजेंट है और एक्सेस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि अमोनिया के केस पे क्या है आपके पास सिमिट्री uh, इस मॉलिक्यूल में सिमिट्री प्रेजेंट है इतनी चीज क्लियर हुई ओके okay. अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है एक होता है आपका इंपॉर्टेंट ये तो सारी okay, ये आपकी सारी एक्सिस होगी ओके ये एक्सिस होगी बट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर लिखा है एक्सिस विच हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर उससे आप बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है तो कोई भी एक्सिस आपकी एक्सिस है जिसके बाद ज्यादा नंबर के corners होंगे यानी कि ज्यादा नंबर के ऑर्डर होंगे आप उसे axis कहते हैं। और अगर आपकी दो में क्या है, same टाइप के ऑर्डर uh, है, तो है? हैं, तो उस केस में क्या प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे जो ज्यादा नंबर के atom को क्रॉस कर रहे होंगे तो यहाँ लिखा है प्रिंसिपल axis इतनी चीज क्लियर हो रही है और यहाँ लिखा दिच है the सेम ऑर्डर अगर एक्सिस में क्या है दोनों के पास सेम नंबर के कॉर्नर यानी कि सेम ऑर्डर है थ्री थ्री तो आप कैसे देखेंगे जो ज्यादा नंबर के आइटम को क्रॉस कर रहा होगा काट रहा होगा तो आप उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस इतनी चीज क्लियर है अब हम लोग थर्ड टाइप के सिमिट्री में पढ़े एलिमेंट ऑफ सिमिट्री थर्ड टाइप के टूल पे बात करते हैं तो वो है प्लेन ऑफ सिमिट्री और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन ओके तो प्लेन ऑफ सिमिट्री का मतलब जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ आपको क्या करना होता है मॉलिक्यूल को जैसे ये ए है इसको क्या है प्लेन से कट कीजिए यहां से अगर सपोज ये क्या है मोटा मोटा सा होगा ठीक है ये क्या है मोटा मोटा सा होगा आपने इसे एक स्लाइस जैसा काट दिया तो आपको पीछे का स्ट्रक्चर भी ए ही मिलेगा आगे का स्ट्रक्चर भी ए यानी कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री है एक तो ऐसे काट सकते हैं एक आप इसे ऐसे भी काट सकते हैं कि आपने इसके बीच में एक प्लेन लगा दिया अब आपने ए के बीच में प्लेन लगा दिया तो ये क्या होगा कुछ ऐसा मिलेगा यानी कि अभी भी आइडेंटिकल है इट मीन ए जो मॉलिक्यूल है आपका मॉलिक्यूल रेन में है नहीं बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ए मॉलिक्यूल होता तो ए मॉलिक्यूल में क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ओके okay? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगेन क्लासिफाई होती है तीन टाइप्स में पहले हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या ओके okay? तो यहाँ लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजनरी लाइन और अ प्लेन इसमें आपने एक प्लेन को डालना होता है जो कि इमेजनरी है एक्चुअल में आप प्लेन को कहीं नहीं डाल पा रहे क्योंकि मॉलिक्यूल दिखते ही नहीं है हमको ठीक है तो वो बोला प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजनरी लाइन और अ प्लेन विच डिवाइड अ मॉलिक्यूल इंटू अ टू इक्वल हाफ्स ऑन वन पार्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर ओके तो आप बोल सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के जैसे मैं ए में आपको बोला ए को अगर आप बी से कट करेंगे यानी कि आपने यहाँ से डाल दिया एक प्लेन इसे कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ मिले ये दोनों इक्वल हाफ मिले यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हाफ आइडेंटिकल है या फिर बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है अगर आप इसकी एफ के आगे मिरर लगाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा इस मीन्स ए के बीच में क्या है ए मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है इतनी चीज क्लियर है तो आपने क्या करना है बस एक प्लेन को डालना है हर चीज में इमेजनरी है सेंटर पे आप सेंटर से जा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट मतलब आगे पीछे जा रहे हैं सेम मॉलिक्यूल में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एक्सेस में क्या करना है आपने बीच से एक एक्सेस डालना है देन रोटेशन कराना है अगर रोटेशन के बाद ओरिएंटेशन के बाद सेम मॉलिक्यूल में तो वो रोटेशन प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या अगर आपने प्लेन डाला और प्लेन डालने के बाद आपको सेम टाइप के मॉलिक्यूल यानी कि एक दूसरे मतलब जो इक्वल किस मिलेंगे प्लेन में तो क्या है सेंटर में तो आप कुछ काट नहीं रहते कुछ काट नहीं था प्लेन में तो आपको काटना है ना और जो दो तो कटे हुए पार्ट होंगे वो दोनों अगर इक्वल है आपने क्या है वाटर मेलन को काट दिया दोनों इक्वल पार्ट होगी इसमें उसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है ओके तो वही होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री इतनी चीज क्लियर है तो डेफिनेशन समझ में अब हम आगे से बढ़ते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है प्लेन ऑफ सिमेट्री को तो पूरा तीन टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है एक होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि द प्लेन पास फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस एंड नोन एज वर्टिकल प्लेन ऑफ एक्सिस और हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसे आप कहेंगे हरिजेंटल प्लेन एक्सिस एंड है डाईडोल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि द प्लेन पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रेजेंट बिटवीन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सब

तो वो सारे एक्सेस होते हैं सबसाइडरी एक्सेस तो बोल रहा है अगर आपके क्या है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबसाइडरी एक्सेस के बीच से आपका प्लेन जा रहा है उस टाइप के प्लेन को आप कहते हैं डाई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देखिए अभी तो आपको चीजें सिंपल लग रही क्योंकि आप एक एक पॉइंट को लेके चल रही है यानी कि एक सिमेट्री की बात कर रहे हैं इस पर आपने अभी एक सिमेट्री की बात की वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री बट आपको बाद में क्या करना पड़ेगा आगे जब आप चीजें पढ़ेंगे पॉइंट ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे आपको क्या करना पड़ेगा ये सारे जितने भी टूल्स हैं इनको एक ही मॉलिक्यूल में सारे टूल्स ढूंढने होते हैं ओके तो मतलब सारे टूल्स का यूज एक ही जगह करना होता है एक ही मॉलिक्यूल में आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है सब कुछ देखना है ठीक है तो चीजों को याद करना भी सीखो इतनी जल्दी घुसता नहीं है ये ठीक है तो अब हम लोग आगे बढ़ते तो एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर लिखा है मीसो फॉर्म ऑफ टार्ट्रिक एसिड ठीक है तो टार्ट्रिक एसिड है इसका मीसो फॉर्म है मीसो फॉर्म यानी कि उसमें कार्रलिटी तो है ये दोनों कायरल सेंटर तो है बट इसमें क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मीसो कंपाउंड ओके तो यहाँ पर आप देखो अगर आप इस मीसो कंपाउंड को पीस से कट कर देंगे यहाँ से कट कर देंगे तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे और इस मॉलिक्यूल में यानी कि इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के बदले आप यहाँ पर कोई मिरर रख दीजिए तो आपको मिलेगा कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाले स्ट्रक्चर के सिमिलर है इट मीन आप बोलेंगे कि मीसो फॉर्म ऑफ टार्ट्रिक वो क्या है उसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या प्रेजेंट है ओके सिग्मा आपका प्रेजेंट है ओके यहाँ पर आप देखिए वाटर वाटर के केस पर क्या अभी आप क्या देख रहे थे वाटर के केस पर देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है प्रेजेंट है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर से और यहाँ को जा रहे हैं तो सेम सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको अपसेंट है ओके okay? यहाँ पर आपको एच जा रहा है यहाँ को ऊपर को अगर आप जाएंगे तो आपको सेम टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा यहाँ आपका एच है ऊपर को जाएंगे तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा ओके okay? लेकिन आपका प्लेन ऑफ यहाँ पर को एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ठीक है ठीक है और यहां पर को क्या है अब हमने देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री अब देखो वाटर मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी क्यों नहीं होगी होगी ना कैसे आप अब सोचो वाटर तो छोटा सा मॉलिक्यूल आप सो सोच सकते हैं ये क्या है एक बॉल है ये तीन बॉल है जो ऐसे 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 अरेंज है वो भी कहा है हवा में लटकी हुई है अब आप क्या कर सकते हैं इसे किसी प्लेन से पास कीजिए अगर आपने इसके यहाँ से प्लेन डाल दिया यहाँ से प्लेन डाल दिया फिर भी ये दो इक्वल हाफ देखिए प्लेन मत आप ऐसा करिए मिरर रख आप दिया तो आप देखेंगे ये वाली इमेज इसकी भी है। और एक तो ये है एक ऐसा प्लेन डाल सकते हैं एक ऐसा प्लेन भी डाल सकते हैं कैसा आपने इस मॉलिक्यूल को ऊपर से खड़े से काट दिया ओके खड़े से काट दिया ओके तो खड़े से काटेंगे तो भी क्या होगा मॉलिक्यूल क्या है एक बॉल है बॉल क्या होगी आधे आधे की बॉल में यानी कि हाफ

और जब आप सिमिट्री प्लेन ऑफ सिमिट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा बी से हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमिट्री को कैसे करेंगे सिग्मा एच से और वर्टी डायहेड्रल को करेंगे सिग्मा डी से ओके तो यहाँ पर वाटर के केस पे आप समझा देना की वाटर के केस पे आप देखो सिंपल था है, समझ जा रहे ना आपकी ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ओके आप इस प्रिंसिपल एक्सिस से भी तो एक वो डाल सकते हैं प्लेन डाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया तो ये प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस सेम है तो आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है वो कौन सी प्रेजेंट है आपकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री यहाँ पर को प्रेजेंट है जिसे आपने सिग्मा बी से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर से जो आप प्लेन काट रहे हैं ये भी तो ऊपर से ही काट रहे हैं काट रहे हैं ना ऊपर से तो ऊपर से जो प्लेन काट रहे हैं यहाँ पर को ये भी तो आपका क्या ऊपर से नीचे आ रहा है और आपकी जो ये प्रिंसिपल एक्सेस है ये भी तो आपका यहाँ से नीचे को ही आ रही है इट मीन ये भी आपका क्या है एक टाइप का क्या है ये भी आपका एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पर को भी आप क्या लिख देंगे इसे सिग्मा वी प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी है वर्टिकल है इतनी चीज क्लियर हो रही वैसे क्या यहाँ पर को बी एफ थ्री के केस में भी दिखाया हुआ है बी एफ थ्री के केस पे क्या है अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे यहाँ पर को क्या है ये आप इसका रोटेशन कराएंगे इस पर क्या है अब मैंने आपको बताया बी एफ थ्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ऑप्सेंट है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है वो यहाँ पर नहीं है यहाँ पर जो ग्रुप है यहाँ नहीं यहाँ है यहाँ का जो ग्रुप है यहाँ ठीक है लेकिन यहाँ पर को क्या है एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्यों क्योंकि आप क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल में देखो तीनों तीन कॉर्नर्स तीन प्रेजेंट है और अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये क्या है सेम टाइप की इमेज आपको देंगे ठीक है आपने इसे रोटेट किया तीन है यानी कि 120 डिग्री से अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद भी सेम इमेज देंगे तो यहाँ पर को भी यहाँ पर क्या है आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है बट यहां पर को अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो वो भी आपकी प्रेजेंट होगी आप इस मॉलिक्यूल को कट कीजिए बीस से आप कट करेंगे तो क्या होगा आपको प्लेन मिलेगा इक्वल प्लेन मिलेगा समझ रहे हैं, मैं बार बार वही चीज बोल रही तो इक्वल प्लेन मिलेगा इट मीन यहाँ भी आपका क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है अब देखो यहाँ पर को आपने क्या किया सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी कुछ ऐसे जा रही है ये आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है ओके okay. अब आपने क्या किया प्लेन को कुछ ऐसे कट कर दिया यहां से आपने प्लेन डाल दिया यहां से प्लेन डाल दिया इट मीन क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे प्लेन आपका ऐसे आ रहा है ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर को जो जो प्लेन हुआ वो आपका क्या हुआ कौन सा प्लेन हुआ यहाँ पर को देखा था हमने ये क्या बोला था हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस जैसा और आपका प्लेन कुछ ऐसे जा रहा है तो उसे आप बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर हमने इसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया है ओके अब यहाँ पर तो आप इसे कट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते रुको मैं इंक चेंज करती हुँ. यहाँ पर आप इसे कट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसे कट करेंगे तो यहाँ का जो प्लेन है वो यहाँ पर नहीं है यानी कि इक्वल नहीं है आप इसे एक ही प्लेन से कट सकते हैं इसको आपने साइड से क्रॉस में कट कर दिया ओके तो जिसकी वजह से आपको सिग्मा डेल्टा एच मिलेगा इतनी चीज क्लियर हो रही ना ठीक है अब क्या ये आपका बेंजीन है देखो बेंजीन में आपके बहुत सारे प्लेन कट जाते हैं ठीक है थीके? मतलब कुछ ऐसे कटेगा एक प्लेन आपका कुछ ऐसे कट सकता है एक प्लेन यहां से यहां कट जाएगा एक प्लेन यहां से यहां भी कट जाएगा ठीक है ठीक है ये चीज है एक यहां से यहां भी कटता है और एक यहां से यहां भी करता है कुछ इतने प्लेन करते हैं ओके तो ओवरऑल आपने बेंजिन का स्ट्रक्चर दिखा के कुछ ऐसे प्लेन काटना है और इस पर आपने बता देना है कि एक आपका इसमें क्या होता है अब हम लोग आगे चलते हैं लास्ट एक्सेस ऑफ प्रॉपर रोटेशन एंड सॉरी ये रोटेशन दो बार आ गया ठीक है एक्सेस ऑफ प्रॉपर रोटेशन स्लैश में आपको डेस्क करके दिखा है रोटेशन रिफ्लेक्शन यानी कि रोटेशन देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ पहले आपने क्या करना है पहले आपने रोटेशन कराना है जैसे आपने एक्सेस ऑफ सिमेट्री में कराया था वैसे आपको पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करना है देन उसको रिफ्लेक्ट करना है यानी कि फिर जो मॉलिक्यूल जो आपका बनेगा आफ्टर रोटेशन उस पर आपने क्या लगा लेना है मिरर उसके सेंटर पर फिर उसका लगाना है रिफ्लेक्शन देन आपने उसे अगेन रोटेशन कराना होगा देन आपने रिफ्लेक्शन कराना होगा और कितना रोटेशन होगा वो आपने जैसे एक्सेस ऑफ सिमेट्री में निकाला था वैसे ही निकालना ठीक है कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा ऐसा ही है गंदा गंदा सा ठीक है इतनी समझ तो यहाँ पर को लिखा है देखो पहले मैं आपको डायग्राम से समझाया था मैंने क्या बोला रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस एच टू है एच टू ओ टू ठीक है इसका एग्जाम्पल है इस पर आपने क्या करना है देखो एच टू ओ टू है सबसे पहले हम देखेंगे इस पे क्या है एंड जो होगा वो इसको तो आपने एस एन सी रिप्रेजेंट करता है सीएन से सी एन तो आपका एक्सेसरी आप है ये होता है एस से रिप्रेजेंट होता है ठीक है और जो एन होगा वो अभी भी क्या होगा ऑर्डर होगा यानी कि क्या होगा कॉर्नर होगा ठीक है तो आप देखिए यहां पर कितने कॉर्नर है दो कॉर्नर है ठीक है यहाँ पर देखो ये दोनों कॉर्नर है कॉर्नर क्या होगा जो लास्ट वाला एंड है तो ये कॉर्नर कितने होंगे दो होंगे तो यहाँ पर होगा एस टू अब मैंने आपको बोला है, जब आपके एस टू है तो रोटेशन भी आपके कितने होंगे दो बार होंगे अब आपको कौन से एंगल पर रोटेशन करना है वो भी इस टू से पता चलेगा कैसे आप क्या करेंगे थ्री सिक्सटी डिग्री को डिवाइड करेंगे टू से तो आपका कितना है वन एट्टी डिग्री यानी कि आपने जो रोटेशन कराना है वन एट्टी से कराना है वो भी कितनी बार कराना है टू बार कराना है ठीक है तो आप क्या लिखेंगे देखिए देखो तो आपने इतनी चीज समझ में आ गई अब आप क्या करो सबसे पहले हमने क्या बोला रोटेशन अगर ये इतना ही करना होता तो ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता लेकिन ये है रोटेशन रिफ्लेक्शन पहले आप करेंगे रोटेशन यहाँ आपको दो बार रोटेशन कराना है तो पहले आप एक बार रोटेशन कराएंगे देन उसका रिफ्लेक्शन कराएंगे देन एक और बार रोटेशन कराएंगे यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक और बार रोटेशन कराएंगे देन उसका रिफ्लेक्शन करेंगे देन आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट वो आपका फाइनल प्रोडक्ट इतनी चीज समझ में आ रही कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ डायग्राम से बताती हूँ ठीक है इतना तो समझ में आ रहा होगा ठीक है देखो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल दिया है H2O2, आपको पता चला ऑर्डर है इसका टू तो आपको रोटेशन कराने इसके टू और रोटेशन होंगे बाई एंगल कितने बाई कितने एंगल का 180 डिग्री का होगा 180 डिग्री का एंगल होने वाला है तो आप क्या करेंगे इसको सबसे पहले आपने इसका रोटेशन कराया यहां से आपने कराया इसका रोटेशन रोटेशन हुआ का आप रिप्रेजेंट करो एस से ठीक है सी नहीं है यहां भी एस है है ठीक भी एस ओके तो आपने इसका जब रोटेशन कराया तो क्या होगा इसको भी मैंने एच एच से रिप्रेजेंट किया ठीक है तो जब इसका रोटेशन कराएंगे तो ये ग्रुप आपका अगर वन से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ऐसा कुछ दिखेगा तो आपने पहले इसका रोटेशन कराया तो आपको कुछ ऐसा इमेज मिला मिला ना ये आपका रोटेट होके क्या ये ऊपर हो जाएगा ये रोटेशन के बाद नीचे आ जाएगा तो आपका ये जो डैश वाला पोर्शन है ऊपर हो गया आप अपने एक बार रोटेशन करा दिया तो आपने लिखा है इसे रुको तो हाँ ये गंदा लिख दिया मैंने आपने लिखना है इसको कैसे जैसे हमने एक्सिस में लिखा था आप लिखेंगे एस एन के बदली टू और पहला रोटेशन है तो ऊपर लिखेंगे वन, ओके वन का रोटेशन इतनी चीज क्लियर है अब आपने दोबारा रोटेशन नहीं कराना पहले आपने कर रिफ्लेक्शन तो आपने क्या करा जो ये मॉलिक्यूल मिला आपने इसके बीच में रख दिया मिरर मिरर रखने के बाद जो आपकी इमेज आई उसको आप यहाँ पर फ्लैश करके रिफ्लेक्शन करके लिखो ओके आपने डेस्क किया यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की इमेज कैसी आएगी कुछ ऐसी आएगी यानी कि ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन यहाँ दिखने लगेगा ये वाला पोर्शन यहाँ दिखने ऐसा ही तो होगा ना मिरर में ये वाला ऊपर यहाँ दिखेगा इस साइड ये वाला यहाँ यानी कि ये इमेज कुछ ऐसे दिखेगी ओके इतने से समझ में आई अब आपने क्या करना है अब करना है इसमें दूसरा रोटेशन जो हमने कराना तो अब आप लिखेंगे एस टू टू ओके okay? अब आपने वन एट्टी डिग्री का रोटेशन कराया तो इससे आप जब रोटेट करेंगे तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा नीचे ओके okay? नीचे और ये वाला ग्रुप जो नीचे था ये हो जाएगा ऊपर तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अब आपने एक रोटेशन करा दिया अब आपको कराना है रिफ्लेक्शन रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन अब आपने इसमें लगा दिया मिरर और इसको कराया रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कराने की वजह से क्या होगा देखो रोटेशन में तो ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो रहा है रिफ्लेक्शन में आगे का पीछे पीछे का आगे अब आपका रिफ्लेक्शन में क्या होगा ये ग्रुप आपको आगे दिखेगा ये ग्रुप आपको पीछे दिखेगा देखा ये वाला ग्रुप आपने लग दिया आगे ये वाला ग्रुप लग दिया पीछे अब देखिए दोनों इमेज आपकी क्या लगी आइडेंटिकल है है ना वैसे तो आपको क्या है? सब आइडेंटिकल है क्योंकि हम एच एस तो देख नहीं रहे बट आप जो फाइनल इमेज भी देखिए ये दोनों भी आपकी क्या मिलगी फाइनली आइडेंटिकल इट मीन्स आप समझ जाइए इस एग्जाम्पल से आप समझा दीजिए टीचर को कि इस मॉलिक्यूल में एच टू ओ टू के मॉलिक्यूल में आपका एक्सिस ऑफ प्रॉपर रिफ्लेक्शन और रोटेशन और रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमिट्रिक है प्रेजेंट है, है, इतनी चीज क्लियर तो यहाँ पर को लिखा भी है थ्योरी पर थ्योरी भी आपने लिखनी होगी कि द मॉलिक्यूल है एक्सिस ऑफ सिमेट्री अराउंड विच द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन एंगल 360 बाय n एन एंड रिफ्लेक्ट पहले आपने रोटेशन कराना जैसे आपने एक्सिस ऑफ एक्सिस में कराया तभी ये एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन पहले आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन है देन उसमें रिफ्लेक्शन भी ऐड करना है एंड देन रिफ्लेक्शन थ्रू है प्लेन परपेंडिकुलर टू है प्रिंसिपल देन आपने प्रिंसिपल प्रिंसिपलिस के परपेंडिकुलर क्या डालना है एक प्लेन डालना है जिससे आपको क्या है मिरर इमेज बनानी है अगर वो मिरर इमेज क्या है इंडिस्टिंग्विशिबल है यानी कि आइडेंटिकल है जो ओरिजिनल से जो आपकी लाइफ लास्ट में मिली वो इमेज आपकी क्या original similar है ओरिजिनल के सिमिलर है आइडेंटिकल है इट मींस इस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या आपका एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमिट्रिक है प्रेजेंट है है अदरवाइज इतनी चीज क्लियर है 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 ठीक है? वीडियो हो रही है? इतनी चीज समझ में आ रही है ना मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही ओके फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना है, ठीक है अब देखो अब इसमें भी आपकी दो कंडीशन अराइज होती है ये ठीक? आप इसे क्लासिफाई करेंगे दो टाइप में यानी कि इसकी दो कंडीशन होती है कंडीशन कैसे होती है देखिए हमने क्या पढ़ा ये हमने पढ़ा रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ओके तो यहाँ पर एक बार रोटेशन की भी आवाज हो रही है एक बार रिफ्लेक्शन की भी तो हमको पता है रोटेशन हम कराते हैं तो हम उसे बोलते हैं cn जब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कराया था तो वो cn था अब यहाँ पर हमने रोटेशन के साथ रिफ्लेक्शन भी ऐड कर दिया जिससे हम लोग एसन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके तो ये बोल रहा है कि अगर जो ये एन की वैल्यू में भी क्या होगा कभी कभार ऑड भी हो सकती है और कभी कभार एन की वैल्यू इवन भी हो सकती है ओके तो इनके बेसिस पे ऑड है या इवन है उनके बेसिस पे आप क्या है इसको अगेन क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में यानी कि इनकी दो कंडीशन होती है तो पहला बोल रहा है कंडीशन फर्स्ट मॉलिक्यूल सी एन इज कॉन्ट विन एन एन इवन नंबर आप छोड़िए बस आप सिंपली ये देखना अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एन नंबर जो ये आपकी जो एन है एन मतलब की ऑर्डर जो है वो आपका इवन है तो उस केस में कभी भी जो सी एन जितने सी एन के स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही एस एन के स्ट्रक्चर बनेंगे समझ में आ रहा देखिये जैसे हमने इस पे क्या किया था इससे पहले वाले स्ट्रक्चर पे हमने जितने सीएन के स्ट्रक्चर यहाँ पर को देखो पहला ये इसका सीएन का तो स्ट्रक्चर था ये इसका सीएन का स्ट्रक्चर था देन आपने ये तो यहाँ तो रोटेशन करा है इसका मतलब क्या है ये इसका सीएन स्ट्रक्चर है यहाँ रोटेशन हुआ देन यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ यानी कि ये इसका क्या है एसन स्ट्रक्चर है ओके अब यहाँ पर को क्या रोटेशन हुआ यानी कि सीएन स्ट्रक्चर है और ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ यानी कि एसन स्ट्रक्चर है समझ में आ रही तो ये बोर्डा अगर आपके पास एन जो है वो इवन नंबर है देन उस केस में जितने आपके सीएन स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही आपके एस एन स्ट्रक्चर बनेंगे लेकिन दूसरे केस में यह बोल रहा है अगर आपके पास क्या है जो एन है वो मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर अगर आपके ऑड है उस केस उसके आपके जो एसन होंगे यानी कि जितने भी रिफ्लेक्शन एक्सेस आपकी जो बन रही है वो कितनी होगी हमेशा एस एन टू की पावर एन यानी कि यहाँ पर को भी एन लिखिए और यहाँ पर जैसे एन आपका कितना है यहाँ पर को तीन एन है ओके okay? तीन एन है यानी कि एस क्या हुआ थ्री और यहाँ पर हुआ टू इंटू थ्री ओके okay, यानी कि एस थ्री होगा लेकिन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे सिक्स बनेंगे ये आपका स्ट्रक्चर ही तो रिप्रेजेंट करता है जिसे हम क्या लिखते थे यहाँ पर आप देखिए हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं ठीक है थीके? मैंने यहाँ भी दिखाया था आपको एक मिनट यहाँ लिखाया था सी टू ये तो आपका ऑर्डर है ये आपका क्या दिखा रहा है दिखा रहा है कि कौन से नंबर का रोटेशन है पहला रोटेशन है ये आपका दो एक्सिस आपका दो ऑर्डर है लेकिन यहाँ पर जो रोटेशन है वो कौन से नंबर का हो रहा है दूसरे नंबर का हो रहा है तो यहाँ पर वो क्या दिखाना जा रहा है यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि आपका जो ऑर्डर ऑर्डर है 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 वो ऑब्वियसली ओके okay? लेकिन यहाँ पर जो आप जितने रोटेशन कराएंगे वो रोटेशन कितने कराएंगे सिक्स कराएंगे इतनी चीज समझ में आ रहा है तो अगर आपके यहाँ ऑर्ड है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए अगर यहाँ पर कोई क्या होता है सिक्स होते सॉरी सिक्स कैसे हो सकते फाइव होते तो आप क्या करते हैं यहाँ पर एस फाइव आपका होता है यानी कि ऑर्डर फाइव है लेकिन आपके स्ट्रक्चर कितने बनते हैं टेन स्ट्रक्चर बनते हैं समझ मा रहे एसन के स्ट्रक्चर बनते हैं टेन ठीक है तो वही चीज बताना चाह रहा है अगर आपका इवन है तो आपके जितने सी एन स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही एसन बनेंगे ओके तो अब आपने क्या करना है देखो दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया एक एक्साम्पल इसका एक एग्जाम्पल उसका लेकिन क्या है आप ये आप एक्साम्पल देखिए ये एग्जाम्पल है और ये ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल है ये आपको थोड़ा सा क्या लगेगा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्यों क्योंकि आपको चीजें ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं देखना ये मॉलिक्यूल है थ्री डी में

तो जब आप ये पहले आप बना रहे हैं इसके एसन स्ट्रक्चर ओके देन आप बनाएंगे इसका सी एन स्ट्रक्चर पहले आप एसन यानी बना रहे हैं क्या तो करना है इस एल टू को इसकी प्लेस पर भेज देना है इसको इसके प्लेस पर भेज देना है इसको इसके फेस पर लगातार ओके और जैसा यहाँ हो रहा है वैसा यहाँ भी करना है ठीक है मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ ठीक है तो मैं इसे रब कर लेती हूँ रुकी बहुत घिचड़ विचड़ हो गया मैं व्हाइट से लिखती हूँ ठीक है तो आपने क्या करना यहाँ L1 था तो L1 को यहाँ भेज दीजिए यहाँ L2 था तो एल टू यहाँगा एल थ्री यहाँगा एल फोर जाएगा ओके तो दूसरे केस में ये इसका SN1 है ओके सॉरी एस एन कैसे लिख सकती हूँ चार ऑर्डर है कॉर्नर कितने सबसे पहले आप तो यही देखेंगे कॉर्नर आपके चार और ये है पहला स्ट्रक्चर यानी कि ये होगा फर्स्ट ओके ये होगा एस एन फोर और स्ट्रक्चर है सेकंड तो आप इसको ऐसे लिखेंगे आपने क्या करना है? फिर इसे बढ़ाना है एल वन यहाँ था तो एल वन को अब यहाँ लिख लीजिए एल टू को ऊपर लिख दीजिए जाइए को यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर हो गया तीसरे स्ट्रक्चर को लिखेंगे एल फोर लेकिन स्ट्रक्चर है आपका थर्ड अब लिखेंगे थर्ड अब देखो L1 वन यहाँ एल वन को लगा दीजिए पर आ एल टू यहाँ हो गया L3 और यहाँ हो गया L4 ओके okay? अब लास्ट हो गया आपका इसे लिखेंगे L4 ओके okay? और स्ट्रक्चर कौन सा है फोर ओके okay? अब आपने देखो L1 वन कहा है आपका यहाँ है अब L1 होना चाहिए यहाँ L1 वन यहाँ एल टू यहाँ एल और यहाँ हो गया L4 सिंपल था सेम स्ट्रक्चर वह यहां भी ऐसा करना है बट यहाँ एस के बदले ले लेना है सी तो यहाँ लिखेंगे सी एन कितना है आपका फोर कॉर्नर कितने है फोर तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर कैसा होगा यानी कि ये जो है वो यानी एल वन इस पोजिशन में तो आप इसे लिखिए यहाँ वन एल टू यहां एल थ्री यहां, यहां और एल फोर यहां ओके okay? दूसरे स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिखेंगे सी फोर ये स्ट्रक्चर सेकेंड है ऊपर लिखिए टू इस पर लिखिए वन ओके ये कैसा होगा L1 वन यहाँ है तो L2 हो जाएगा अब यहाँ पर एल टू सॉरी एल वन हो जाएगा यहाँ पे यहां पर हो गया एल टू यहाँ हो गया एल थ्री ये हो गया एल फोर ओके अब बना आपका स्ट्रक्चर थर्ड यानी कि आप देना है थर्ड अब सी वन यहाँ तो अब यहाँगा एल वन यहाँ हो जाएगा एल टू यहाँ एल थ्री यहाँ एल फोर यहाँ समझ में तो आ रहा ना कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बस ऐसे ही बनाना है आपने ठीक है अब उसके बाद क्या करेंगे आपको यहाँ पर को अब आपके अगले स्ट्रक्चर में है यहाँ पे तो अब आप आएगा यहाँ पर एल वन एल टू एल थ्री एल फोर इससे समझ में तो ऐसे ही करना है ठीक है अब आप इसे थ्री में देखेंगे कैसे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी आप क्या करें थोड़ा सा याद करना भी चलो ठीक है तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है उसके आगे आगे घुमा देना है ओके तो अगला है ये तो हो गया पहला ये दूसरे के केस पर भी आपने सेम चीज करनी है आपके क्या है आपका ऑर्डर तीन है लेकिन आपके स्ट्रक्चर कितने बनने हैं सिक्स बनने हैं ओके तो स्ट्रक्चर पे भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया इससे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ ठीक है ये एक्स्ट्रा चीजों को इरेज कर लेते हैं ओके okay, तो अब देखो यहाँ पर को कैसा हो रहा है यहाँ पर है L1 यहाँ है एल फिर अब चला गया यहाँ तीसरे में चलेगा यहाँ चौथे में अगेन इस पोजिशन में आ गया पांचवे में उसके नेक्स्ट पोजिशन यानी कि पहले यहाँ था तो अब इसके आगे बढ़ गया फिर आपका यहाँ बढ़ गया फिर आपका यहाँ यानी कि वही हुआ सॉरी यहाँ ओके okay? यानी कि पहले यहाँ था अब फिर यहां हुआ फिर यहाँ हुआ फिर यहाँ हुआ फिर यहाँ हुआ फिर यहाँ हुआ, हुआ, हुआ लास्ट में फिर से वापस यही आ गया ओके तो ये इस पर भी क्या आपको थोड़ा याद करना होगा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समझ इस तो समझ तो ही जा रहे पर आपको ये जो आपके ग्रुप है यानी कि जो ऑर्डर है यानी कि जो कॉर्नर्स पे जो आइटम है उनको घुमाना है ठीक है इतनी चीज समझ में आए तो ये होता है इसको लिखे टू एन ठीक है ये हो गया टू एन के बराबर होगा आपके क्या है ये आप इसे क्या लिखेंगे एस आपने नीचे थ्री ही लिखना है लेकिन ऊपर लिखेंगे वन और ये लास्ट वाला हो जाएगा एस तो नीचे थ्री ऑर्डर तो तीन होगा लेकिन स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है सिक्स है, इतनी चीज समझ में तो ये हो गया ठीक है और लास्ट बज गया अब हमारा आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होती है देखो आइडेंटिटी बोल रहा है आइडेंटिटी कुछ नहीं होती इससे हम नेग्लेक्ट ही करते हैं आइडेंटिटी देखते ही नहीं आइडेंटिटी मतलब ही होता है तो तो ये बोल रहे द सीमिट्री विच इज कंटेन बाय ऑल द मॉलिक्यूल एंड रिप्रेजेंटेड बाई ई ठीक है e. तो आइडेंटिटी क्या होती है ऐसी सिमिट्री होती है ऐसा टूल है जो कि सारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं जिसे आप सिंपली ई e से रिप्रेजेंट करते हैं ओके तो बोटा आइडेंटिटी इज अपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आइडेंटिटी हम सिंपली बोलते हैं कि सब मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी प्रेजेंट है आपको कुछ डिटेक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है द ऑपरेशन विच ब्रिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इस ऑपरेशन ओके okay, सिंपल so था तो ये है आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो नेगलेट करना है बट आपने क्या सिमिट्री ऑपरेशन पूछा जा रहा है तो ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है ओके okay, जो सब में प्रेजेंट होता है जिसे आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay, तो जर्मन टर्म से आया जिसका मतलब होता है यूनिटी ओके okay, यूनिटी इसका मतलब होता है ओके okay, तो इतनी चीज समझ में आए तो ये तो आपने करना ही है ठीक है अगर आपको आया है तो लिख लीजिए इतना लिखने में कौन सा जो क्या जा रहा है ठीक है तो इससे तो ये पांच टूल्स थे पांच हमारे ऑपरेशन थे ओके तो जिससे हम लोग क्या है किसी भी मॉलिक्यूल को चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमिट्रिक एलिमेंट यानी कि मॉलिक्यूल हमारा सिमिट्री है सिमिट्रिक है या फिर नहीं है ठीक है तो होप कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा देखो चीजों को लिखना है तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ठीक है और साफ साफ लिखिए थोड़ा मैंने घिचिर पिचित कर दिया आप सिंबल कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कैसा एग्जाम्पल रहता है वो सब करते हुए चलिए ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माइर चैनल आज तो हमारी फर्स्ट लेक्चर था हम आगे को सारा कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक है क्योंकि आपके लिए अगर आप तक नहीं पूछेंगे तो फिर मेरा भी कोई फायदा नहीं है और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इसको लिखने में टाइप करने में और थक भी जाती हूँ इतना पढ़ाते बढ़ाते तो क्या करना है आपने भी थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ठीक है आप लोग बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा तो अभी हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट के लिए लेते हैं हम लोग बाय बाय और सारे आ, पेपर्स भी आप पढ़ते रहना पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल वगैरह उसके भी वीडियोस में लगातार अपलोड करते हुए जा रही हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना तो अभी हम लोग फिनिश करते हैं वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय